तो गाइस ये है हमारा मंथली ग्रॉसरी जो आप देख सकते हैं। हम लोग ने डीमार्ट से ऑर्डर किया है वन टाइम। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 10। तो सौरभ ऑफिस जा चुके हैं, आज मंडे है तो आज से ऑफिस स्टार्ट हो चुका है। लंच वन सब रेडी है उनके लिए, ऑफिस लंच के लिए ऑफिस सॉरी ऑफिस के लिए लंच बना दी और मेरा भी लंच रेडी हो चुका है। तो मैं सोची थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, आज तो मेरा मन नहीं हो रहा है फ्रूट्स खाने का, बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है। तो अभी मैं खाऊंगी 2 डार्क फैंटेसी। इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, सही है इसका टेस्ट, चॉकलेट फ्लेवर का है। तो ये खाऊंगी, उसके बाद फिर मैं रेस्ट करूंगी थोड़ी देर, क्योंकि मेरा रेस्ट करने का मन हो रहा है। तो इसीलिए कभी कभी होता है मन नहीं करता, डेली रूटीन का जो चलते आ रहा है उसको ही फॉलो करो, और मेरा मूड नहीं हो रहा बिल्कुल भी, इसलिए मैं ये खा रही हूँ। कर्टेन लगा कर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मेरे को सोने के टाइम रूम एकदम अंधेरा चाहिए होता है, बिल्कुल भी लाइट मुझे नहीं चाहिए होता है सोने के टाइम, बहुत अच्छा फील होता है। जगने के बाद फिर आगे का काम करूँगी, आधे 1 घंटे तो पक्का ही रेस्ट करूँगी। तो ये है मेरा लंच, राइस, भिंडी, आलू की भुजिया और चिप्स और दाल। और मैं भिंडी में आलू इसलिए मिक्स की हूँ क्योंकि मेरा कल रात को आलू खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो मैं रात को ही सोच ली थी कि भिंडी में मैं आलू मिक्स करूँगी। तो अब मैं लंच करती हूँ। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे 2:30 और मैं सुबह से सो रही हूँ, सुबह से अभी जगी हूँ मैं, उसके बाद फिर राइस बनाई हूँ, फिर अभी आ गई हूँ लंच करने के लिए। तो लंच करूँगी उसके बाद फिर बर्तन साफ करने वो सब करना है, थोड़ा बहुत काम है। मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए, आलू परवल की सब्जी और रोटी।
तो गाइस अब मैं बाहर आ गई बालकनी में और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का सनसेट दिख रहा है यहाँ से। तो ये दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा प्यारा खूबसूरत सा सनसेट। और ये रोड और ये स्टेडियम में कुछ फंक्शन होने वाला है तो वो बहुत ही ज़्यादा शोर आ रहा है यहाँ से, जो कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है इसकी वजह से। हेलो गाइस, जैसा कि मैं आ गया हूँ ऑफिस से ही, अब मैं डिनर करूँगा। डिनर में है आलू परवल की सब्जी और रोटी, ये सिंपल सादा अच्छा खाना, सिंपल और हेल्दी। क्योंकि बाहर जाते तो अनहेल्दी हो ही जाता, घर पे सिंपल सादा खाओ, अच्छा खाओ और फिट रहो। तो डिनर करते हैं, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए। तो गाइज़ ये मेरा डिनर प्लेट है और मैं एक रोटी पहले खा चुकी थी ऑलरेडी, फिर मेरे को बाद में याद आया कि मैं वीडियो ही नहीं बनाई हूँ, फिर मैं वीडियो बनाने आ गई और मेरे पति देव भी मेरे प्लेट में से फिर से खाए राइस। तो हेलो गाइज, डिनर मैंने कर लिया है, डिनर के बाद मुझे कोल्ड कॉफी पीना था तो मैंने कोल्ड कॉफी, मेरी वाइफ ने कोल्ड कॉफी मुझे सर्व किया है। लीजिए, थैंक यू, करने देंगे, ओके ओके, मैं ले लिया, चीयर्स। तो कोल्ड कॉफी की लत लगते जा रही है, अब लगता है हर रात कोल्ड कॉफी पी के इसको सोया जा रहा है, लेकिन इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर भी कोल्ड कॉफी इतना टेस्टी लग रहा है कि मैं हर रात को पी के सो रहा हूँ। दूध भी पीते हैं लेकिन आजकल ये लत लग गई है, दो तीन दिनों से कोल्ड कॉफी चल रहा है। मेरा तो ठीक है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टेस्टी ऐसा है, मन करता है पीने का। पीछे से साउंड आ रही होगी, शादी हो रही है, अब शादी के बाद पता लगे कि शादी हुई है या क्या हुई है। आज रात को तो शादी कर लेने दीजिए, उसके बाद चैलेंजेस लाइफ में। सही बात है, शादी के बाद लाइफ में लॉट्स ऑफ चैलेंजेस आ जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबको अपना अपना है, कोई कोई सबको अपना अपना जिसे हम बता नहीं सकते। तो इसलिए एंजॉय योर मैरिड लाइफ एंड एंजॉय योर बैचलर लाइफ, जियो जी भर के, क्योंकि कई इंसान हर जगह कुछ ना कुछ रहता है, इसलिए जहाँ जो है खुशी से जियो, कि जो लाइफ मिला उसे एंजॉय करो। नहीं, हर चीज मिलना भी नहीं चाहिए लाइफ में, पता है क्यों? क्योंकि अगर हम चाहते हैं ना मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, तो हमको मिल तो जाएगा, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन कभी खत्म ही नहीं होगा। सही बात है। और एक्सपेक्ट भी करना है तो सही ट्रैक पे आगे करना है। इंसान का दुख का कारण है क्या? उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन छोड़े मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती इस धरती पे, किसी से भी नहीं, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत ही, ज्यादा नहीं। तो एक्सपेक्टेशन से कॉपीज करे कि वो खुशी देगा, ठीक है। तो गाइस कॉफी पी के अब सोएंगे, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए शुरुआत के साथ।